पराठों को लपेटने के लिए ये कागज भी ले आई है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी बिस्किट दे दिया है अपने दोस्त को और वो खा रहा है स्पून से। वो देखें अच्छे वाले पराठों का महलूल भी आपने यानी कि पतला ही बनाना है, ठीक नहीं बनाना। फ्राई पैन को आप लोगों ने घी लगा दे रहा है नीचे से ताकि ये नीचे से जाके चिपक ना जाए। नमकीन पराठे जो हैं वो सारे के सारे बन चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी मीठा पराठा मामी ने ऐड कर दिया जी फ्राई पैन में। ये है जी मीठा पराठा और ये है जी ये नमकीन। है खट्टा पराठा। हाँ कैसा बना है पराठा? मजेदार है, इसलिए तो सारे पराठे खाते हैं, अगर मजेदार नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं खाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी माशाल्लाह से सुबह का टाइम है तो हम बनाने लगे हैं नाश्ता। आज वो ये होता है कि आज सिर्फ चाय और रोटी नहीं है, आज जो है ना बच्चों को दिल खुश करने वाली बात है, क्योंकि हमेशा जो है ना मेरे बच्चे कहते रहते हैं मम्मा सुबह जो है ना अच्छा अच्छा कभी हमें नाश्ता भी खिला दिया करो। आज बच्चों की ही मतलब बच्चों को पता नहीं है, बच्चों के लिए है सरप्राइज़, तो इसलिए जो है ना बच्चों के लिए आज नाश्ता बना रहे हैं। बच्चों के लिए नाश्ता माशाल्लाह से आज जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला है, तो आप हाँ भी हमारे साथ जुड़े रहें। पहले तो नाश्ता हम उस किचन में बनाते हैं लेकिन आज थोड़ा साए में बनाने का प्रोग्राम था। आज नाश्ता भी बहुत ही ख़ास नाश्ता है, ख़ास नाश्ते से मुराद के आज थोड़ा डिफरेंट नाश्ता है पहले वाले नाश्ते से। यानी कि पहले रोटी या चाय बिस्किट से नाश्ता किया जाता था लेकिन आज चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाई फिलहाल, चाय भी हम यहीं पे बनाएंगे क्योंकि चाय का सारा सामान भी आप लोगों को यहीं पे पड़ा मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले जो है ना जो रेसिपी है उसको कवर करते हैं, उसको बनाते हैं और साथ साथ में फिर चाय भी बनती रहेगी, ऐसे नहीं? ऐसे आग हो चुकी है हमारी रेडी, यानी कि आग चल चुकी है, हम लकड़ियाँ मामी ने काफ़ी लगा दी हैं और अभी सबसे पहले चाय चढ़ा रहे हैं क्योंकि जो रेसिपी की चीज़ें हैं ना वो अभी तक रेडी नहीं हुई हैं, ऐसे नहीं? नानी अम्मा को दी है काटने के लिए, चढ़ा देती हूँ तवा के लिए, मैंने चाय पापा खाना है जी, तो उसके लिए चाय चढ़ाती हूँ, तो फिर जो है ना आगे अपना काम करते रहेंगे। लेकिन पहले इरादा ये था कि पहले रेसिपी को कवर करेंगे साथ साथ में, फिर जब रेसिपी कवर हो जाएगी तो फिर जब आटा वगैरह बनाएंगे उसके बाद जी उससे पहले चाय चढ़ा देंगे, चाय भी बन जाएगी जी। लेकिन सबसे पहले अब चाय बना देते हैं, चाय को चढ़ा देते हैं, चाय तब तक बन जाएगी तब तक हमारा सामान भी रेडी हो जाएगा रेसिपी के लिए। चीनी उसके बाद पत्ती तो बाद में डालेंगे या अभी डालेंगे? नहीं अभी डालेंगे। नमक ये दूध हमारा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कभी चाय में नमक ऐड किया या नहीं किया। हम चाय में नमक ना डालें तो हमें चाय ऐसे जो है ना पागल सी लगती है, क्योंकि चाय का कोई टेस्ट ही नहीं बनता, ना मीठी होती ना फीकी होती है, कुछ पता नहीं होता कैसी है चाय। यहाँ पर जी पत्ती ऐड हो गई है, कड़क वाली चाय तो इसलिए हम पत्ती का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और भी डालेंगे? हाँ बस चलेंगे। चाय मामी ने चढ़ा तो दी है लेकिन मुझे खतरा लग रहा है कि पतीली गिर ना जाए, क्योंकि ये देखें थोड़ी थोड़ी सी अटकी हुई है, क्या ख्याल है मामी? बच जाएगी? उठाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी ईंटें आगे कर दो। लेकिन थोड़ी थोड़ी ईंटें आगे करें तो ईंटें बीच में चली जाए तो फिर अच्छा नसीब में होगी तो फिर पियेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह के हवाले। असल में पता क्या है, इस टाइम टेंशन होगी जब हम पवा लगाएंगे इसके अंदर। पराठों को लपेटने के लिए ये कागज भी ले आई है मैंने। पराठे हम दो किस्म ही बनाएंगे, जैसे बच्चों को पसंद आएंगे ना वैसे वैसे मतलब की बनाते जाएंगे। अब मामी ने कर लिए साइड चेंज क्योंकि यहाँ पर दूरी होती थी, यहाँ पर बैठ के पराठे वगैरह नहीं बना सकते थे। हाँ लकड़ी में आगे कर दूंगा। और यहाँ पर अभी तैयार कर रही है मिसाला वगैरह और जो ईंटे हैं वो हमने थोड़ी थोड़ी आगे कर दी है ताकि चाय गिरे नहीं। मुर्गे ने बांग देना स्टार्ट कर दिए, इसके लिए ना अभी सुबह हुई है। और अभी हमने रेसिपी साथ साथ में रेसिपी कवर करना भी स्टार्ट कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अंडे तोड़ने जी, वो जिस तरह पहले तोड़ती थी ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की अंडा खड़ा। मैं पढ़ रही हूँ ना तीन मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, हर टाइम उनको सुनाते रहो बहन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने पहले ऐसे तोड़ती थी, अब्बा जान ने मुझे बोला नहीं अंडे में भी एक जान पलती है। बिल्कुल, और आपने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तीन मरतबा जरूर कहना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने चार अंडे ऐड कर लिए हैं, तो अभी हम इसमें डालने लगे हैं सब हरे भरे मसाले। टमाटर हो गया और दो प्याज हो गए, और जो है रेड चिली और ग्रीन चिली साबित वाली। जी बिल्कुल। तो अभी हम ऐड करते हैं इसमें। ये कलर्स कितने जबरदस्त लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है और साथ में वाइट भी है। अभी इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। गरम मसाला। गरम मसाला, रेड चिली। रेड चिली ऑलरेडी है तो सही। हाँ वो मैंने देखे ना है। अभी थोड़ा सा नमक। के बाद बस बस मेरा जीरा कहाँ चला गया? परिमाण वाला है, दूसरे वाला, ये नीचे 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 वाला, यही वाला नहीं शायद खत्म हो गया। मुझे लगता है खत्म हो गया। अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने एक छन्नी जो है ना इसमें मैदे के ले रही हूँ। ऐसे अच्छे से छान के इसको आटा बनाना है, आटे की तरह रोटी। हाँ बिल्कुल, इसको जो है ना बिल्कुल नरम बनाना है हमें। बिल्कुल नरम बनाना है, जैसे लिक्विड की शेप है ना वैसे देंगे। चलो कड़क कड़क चाय भी साथ में हो चुकी है तैयार। बताऊं भले बच्चों का दिल खुश करने वाली बात है, मेरा भी दिल खुश हो रहा है, छांव के नीचे बैठी हूं। ये बात है। और गुलेरी भी देख रहा है मामी, ये देखो। हाँ ये ख्याल करना, ये बीच में, ये बीच में ना आ जाए। हेलो ब्रदर, खाना कब आएगा? ये भी हमारा छोटा सा बच्चा है। ब्रदर कुछ खाना है? अभी बिस्किट दे दिया है अपने दोस्त को और वो खा रहा है सुकून से, वो देखें। और मामी की चिड़िया आ चुकी है, उसको भी मामी ने बिस्किट वहाँ पे डाल दिया। वो लेके चली जाती है अभी। हाँ लेके आती है, लेके चली जाती है। ये देखिए बिस्किट को पकड़ा हुआ किस तरह है, कितना प्यारा लग रहा है। मामी कहाँ पे है? ये बैठा, ये सीधा खा रहा है। हमारा जो लिक्विड था वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और यहाँ पे हमने जो है ना माशाल्लाह से बिल्कुल आपने ऐसे पत्ता पत्ता सा रेडी करना है। तो अभी हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी हम और तैयार करते हैं। चले और भी इसी तरह का तैयार करना है? नहीं, दो तरह के पराठे बनाने हैं। ठीक है, और किसी और तरह का वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। कवे देखते रहना, कहीं कवे ना आ जाए। नहीं कवे नहीं आ गए। ये देखिए जी, दूसरा गुलेरी भी आ गया, उससे बिस्किट छीन रहा था, उसको मैंने एक और दे दिया। वो यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, वो यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं बसकून तरीके से। ये रही जी चीनी, ये नमक है, और ये रही जी चीनी। अच्छा साथ में मीठे प्लस फीके, दो तरह के पराठे इसलिए कह रही थी। अभी साथ में जी उसी आटे का मीठा पराठा बनाया जा रहा है, और बिस्मा अपना पराठा लेके भी आ गई। उधर देखें, वो इसको भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, इसलिए इस सिस्टर के घर से लाई है। और मुस्तफा भी बेचारा देख रहा है। मुस्तफा खाना है? दिल है खाने का? खा लो। महलूल भी रेडी हो गया, मीठे वाले पराठों का महलूल, यानी कि मीठे वाले पराठों का महलूल भी आपने, यानी कि पतला ही बनाना है, ठीक नहीं बनाना। बिल्कुल, आप इसमें चीनी भी, किसी भी चीनी भी ऐड कर सकते हो, और गुड़ जो है ना कुटा हुआ शक्कर वो भी ऐड कर सकते हो। शक्कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों हैं वो रेडी हो चुके हैं, और किसी ने अगर बोले ना चाय के साथ बिल्कुल फीके खाने हैं, तो वो फिर नमक के साथ जो है ना, वो मेरे पास मैदा यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर वो मैंने बच्चों को बना के देना है। ऐसे ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये माशाल्लाह से अभी जो है ना बहुत सारा जो है ना मैंने आटा जो है मैदे वाला आटा जो है ना वो मैंने गून लिया। इतनी खाओगे? पहली तौर पर मुस्तफ़ा ने नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पर मामी ने जो लिक्विड बनाया था नमकीन लिक्विड, वो वाला डाल लिया है जी इस पवे में, मग में। और अभी इस छोटा सा फ्राई पैन जो है ना ये भी चढ़ा दिया। ऐसे आसानी हो जाएगी हमारे लिए ना। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान। फ्राई पैन को आप लोगों ने घी लगा देना नीचे से, ताकि ये नीचे से जाके चिपक ना जाए।
और फिर किसी कीमत ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ऐसे ही, ये बहुत अच्छा है फ्राई पैन, बहुत ही जबरदस्त बड़ा सा पराठा तैयार हो जाएगा ये तो। तो दोबारा से ऐसे नीचे काट देंगे, पूरे के ऊपर एक अंडा तोड़ के वो भी लगा देना है। पराठा कुछ स्पेशल है, ज्यादा ही स्पेशल है। इस चीज का ख्याल करना है कि अंडा जो है ना वो कच्चा ना रहे बस। ये देखिए जी पराठे का कलर कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह, पिज्जे की तरह बीच में कलर वाल कलरफुल सब्जी मिर्चें और रेड मिर्चें नजर आ रही हैं। बीच में अंडा भी ऐड कर दिया। बच्चे भी खुश हैं आके, यहाँ पर बड़ा सा मग चाय का भर के पी रही हैं। आपने घोटा नहीं पिया आज? पूरी मैंने नहीं पी चाय, मुस्तफा को मैंने नाश्ता करवाया, इतनी सी चाय बची हुई थी, मैं जाया ना हो जाए मैं। हमें तो नहीं पता इतनी सी बची हुई थी या फुल था, मुझे तो पता है, मुझे पता। चलो दूसरे पराठे का लिक्विड भी मामी ने ऐड कर दिया जी फ्राई पैन में। एक पराठा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होके लाडो खाला के आगे जाके बैठा हुआ है। लाडो खाला आप खाएंगी इसको? नहीं देखूंगी, खाऊंगी नहीं। चलो देखो इसको, देख रही हूँ। सही करके देखो, सही तरीके देख रही हूँ। अच्छा बना, सही बना हुआ ना। नमकीन पराठे जो हैं वो सारे के सारे बन चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी मीठा पराठा मामी ने ऐड कर दिया जी फ्राई पैन में। जिसको मीठा खाना होगा वो मीठा खाएगा, जिसको नमकीन खाना होगा वो नमकीन खाएगा। बिल्कुल। डंडा ले आई हो? हाँ। किसके लिए? हफ्सा के लिए। चलो इधर दो। ये है जी मीठा पराठा और ये है जी खट्टा पराठा। ये खट्टा। एक कितने पराठे हैं ये देखना? तीन है। एक दो तीन, तीन पराठे बने हैं नमकीन। ये हाफ हाफ करूंगी ना, माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं। हाँ साथ में मीठा भी और साथ में फीका भी। गिर जाओगी तैबा, नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो देखो गुलेरी आया। ये देखें जी मीठा मीठा पराठा जो है ना वो दूसरा भी रेडी हो चुका है और बच्चे भी सब खाने के लिए आ चुके हैं। सभी ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया, नाश्ता करना शुरू कर दिया है। विस्मा जो है वो मीठे वाला पराठा खाएगी और लाडो खाला भी नमकीन। केचप भी खाना, केचप भी खाओ नहीं तो फिर चाय के साथ खाओ। हाँ कैसा बना है पराठा? मजेदार है। इसलिए तो सारे पराठे खा गए, अगर मजेदार नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं खाते। लाडो भी खा गई अपना, मीठे पराठे भी तैयार हो रहे। मामू आपको भी खाना है? नहीं मैंने नाश्ता कर लिया। किस चीज के साथ? आज इसने अकेले अकेले नाश्ता कर लिया। आपको बुलाया भी नहीं? देख ले सुला भी नहीं। आज आधी रोटी के खा, गर्मी की वजह से रोटी तंगी। नानी माँ आपने भी खाना है? नहीं मैंने तो नहीं खाना, चाय पी। आपने तो चाय पी ली, आपको तो 12 बजे नाश्ता होगा। हाँ बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया और सब जो है ना यहाँ पहले अभी जो है ना सब रश था, तो अभी जो है ना सिर्फ लाडो सिस्टर के अलावा यहाँ पे कोई बैठा भी नहीं है। सब खा के चले गए, सब खा के चले गए। बस अभी मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आप भी नाश्ता कर लो, तो फिर जो है ना मैं बाद में नाश्ता कर लूँगी। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।